ये है आपने जो परचेज किया है, क्वांटिटी परचेज 10 ही चल रही है। लास्ट रिपोर्ट कल परसों क्या हो उससे हमें कोई गलत नहीं, आप रेंट पे लो, अपने लो, कुछ भी करो, डिप्टी कमिश्नर के डायरेक्शन पे आज हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ से आ रही थी कि कुछ क्लिनिक्स जो है ये अनऑथराइज्ड चल रहे हैं। तो इसमें ऑनरेबल जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है उनकी भी डायरेक्शन है कि सारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को चेक करना है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि 8-9 क्लिनिक्स जो थे जो विदाउट रजिस्ट्रेशन थे और जिनकी स्पेस भी पूरी नहीं थी, उनको हमने सील कर लिया। हमने सब लोगों को डायरेक्शन यही दी कि जो भी इनके नॉर्म्स है, जिनने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए ली है ऑलरेडी और जिनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करनी है, वो अपने ये पैरामीटर सारे पूरे कर ले, उसके बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे सैटरडे को भी एक अवेयरनेस कैंप रखा है जिसमें ये सब लोग आ सकते हैं, इंक्लूडिंग द शॉप ओनर्स जो अलग से है, ताकि हम इन सब को अच्छी तरह से यहाँ पे हैंड होल्डिंग करें, प्रॉपरली इनको गाइड करें कैसे इनको आगे चलना है और कैसे ये लोगों को अच्छी सुविधा। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें जो नोट्स में आई वो ये थी कि इन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले ली है, उसके बाद इनके पैरामीटर्स पूरे नहीं हुए। एक साल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ली है, फिर नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड किया है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को, तो इन्होंने पैरामीटर्स पूरे नहीं किए साल भर देने के बाद भी। सबसे बड़ा इसमें जो हमें लगा वो ये था कि जो इनका बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट इन्होंने अच्छी तरह से वो मैनेज नहीं किया है। तो उसमें बाजार एक एजेंसी है लासीपुरा से जिनके साथ इनको टाइप करना होता है, और उनके साथ ही इनको अपना बायोमेडिकल वेस्ट हर हफ्ते में या हर दिन में जैसे वो आते होंगे उनके साथ टाइप करके उनको देना है। तो इसमें हमने उनको भी कॉल किया है, सैटरडे को वो भी आएंगे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो भी चल रहे ये अंडर प्रॉपर नॉर्म्स, अंडर प्रॉपर लीगल प्रेसिडेंस चले। लेकिन इसमें रिसेंटली जो रेट लिस्ट है वो इशू हुआ है, तो उसी रेट्स के हिसाब से हमने इनके जो रजिस्टर्स हैं वो भी चेक किए। तो रेट्स में मुझे 2-3 जगह मैंने चेक किए, वहाँ पे कोई गड़बड़ मुझे दिखा नहीं। अगर आपके नोट्स में कोई ऐसा आता है तो हमें कन्वे करें, तो हम उस पर एक्शन जरूर लें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।